तो वेलकम दोस्तों। दोस्तों इस टाइम पे सलार के टीजर को लेकर हर तरफ गर्मा गर्मी बनी हुई है। मतलब जैसे ही इसकी न्यूज मार्केट में फैली, यानी कि सोशल मीडिया पे फैली, जब ही से जो प्रभास के फैंस थे, जब से ही उन लोगों ने इस न्यूज को शेयर करना शुरू कर दिया। अब घूमते फिरते मेरे पास ये न्यूज आई तो मुझसे भी रहा नहीं गया कि मैंने सोचा भाई इस बारे में तो कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है, मैंने इससे पहले, मतलब ये जो न्यूज आई है, इस न्यूज से पहले अपना एक आइडिया ही दे दिया था कि ऐसा होने वाला है। और तो और भाई, मैं एक बात और बोलूंगा, यहाँ तक कि न्यूज 18 ने भी इस बात का खुलासा आज किया है कि प्रशांत नील अपने इस टीजर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इस टीजर को रिलीज करना है। अब मूवी में कम से कम अभी 3 महीने बाकी हैं। 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है और अभी 26 मई चल रहा है, मतलब मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, और अगस्त से सितंबर, वो भी लास्ट, मतलब 3 से सवा 3 महीने, 3 महीने मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों अब क्या रिलीज डेट आई है, ऐसी क्या एक्सक्लूसिव न्यूज आई है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहना मेरे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दे। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों बात यह है कि भाई प्रशांत नील ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन वहाँ कुछ मीडिया से बात की अंदरूनी, तो वहां पे उन लोगों ने ये बोला कि भाई हम इसका जो टीजर है वो हम जून में रिलीज करने वाले हैं। अब दोस्तों बात यह है कि भाई जून में किस डेट को इसका टीजर रिलीज होगा? 16 जून को तो आदि पुरुष रिलीज हो रही है। मतलब ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आ रही है, एक्सक्लूसिव न्यूज है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जब ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज आती है तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि कितनी सच होती है और कितनी झूठ होती है। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है सलार के टीजर को लेकर, लेकिन उस टाइम पे इतना लंबा लॉन्ग पीरियड था मूवी को रिलीज होने में। लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से सवा 3 या 2.5 महीने पहले अगर किसी मूवी का टीजर रिलीज होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा देर में या ज्यादा जल्दी रिलीज हो रहा है। 3 महीना बहुत है किसी मूवी के टीजर को रिलीज होने में। तो मैं ये सोच रहा हूं, जब मूवी आदि पुरुष यानी के 16 जून को रिलीज हो रही है तो इसको 16 जून को क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है? मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की थी कि भाई ये जो मेकर्स हैं सलार के, मतलब प्रशांत नील, ये बहुत ही स्मार्ट हैं। और तो और आदि पुरुष जो है वो भी प्रभास की मूवी है, कहीं ना कहीं ये लोग सलार का टीजर आदि पुरुष के साथ रिलीज करेंगे। तो भाई एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए दी गई न्यूज 18 पे क्योंकि 16 जून को आदि पुरुष के साथ सलार का टीजर कंफर्म है। लेकिन प्रशांत नील ने जब मीडिया से बात की तो इन लोगों ने भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बना दिया उस रिपोर्ट को। मतलब एक तो प्रशांत नील ने न्यूज 18 से या किसी भी मीडिया बंदे से बात की तो वो एक ऑफिशियली तो नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम बोल दो, लेकिन इन लोगों ने भी एक तरीके से उस चीज को पक्का नहीं बताया। मतलब हमने तो एक्सक्लूसिव डाल दिया, अब जो भी हो देखा जाएगा। तो अगर एक्सक्लूसिव नहीं डालते तो इनको टेंशन हो जाती, समझ रहे हो बात को? इस वजह से इन्होंने एक्सक्लूसिव डाला है। तो इससे पहले मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, मेरा आइडिया यही था कि भाई ऐसा होने वाला है। अब भाई देखो, अब मैं कंफर्म इस पे बात करता हूँ कि सलार के टीजर आएगा या नहीं आएगा। यार मूवी को 2.5 से 3 महीने बचेंगे आदि पुरुष की रिलीज 16 जून से, अगर हम सलार के टीजर मूवी रिलीज की बात करें तो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो रहा है कि शायद रिलीज कर दें, क्योंकि बड़ी फिल्म है आदि पुरुष, भाई जबरदस्त पब्लिक जाएगी देखने के लिए। और इतने बड़े मौके पे अगर ये लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि सलार का टीजर नहीं रिलीज करते हैं तो इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये लोग इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे तो ये लोग रिलीज कर देंगे उसका टीजर। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या मतलब मांग है कि आप लोग इसका टीजर कब देखना चाहते हैं, क्या आप इस न्यूज को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग।